हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। और आज हमारे साथ में टीवीएस जुपिटर 125 और टीवीएस का जुपिटर 110 सीसी। अब ये दोनों ही स्कूटर जो है ना, आपको काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ मिलते हैं। और सबसे बड़ा एक इन दोनों का प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि दोनों ही स्कूटर आपको ऑलमोस्ट सिमिलर से प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको 125 सीसी से लेके 110 सीसी में सेम ही मिलने वाले हैं। साथ ही टीवीएस का जो ये न्यू लॉन्च्ड टीवीएस जुपिटर 110 सीसी है, इसके अंदर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हैं टीवीएस की तरफ से। एक डिटेल्ड कंपैरिजन आपके शेयर करेंगे, सारी चीजें बताएंगे, प्राइसिंग भी बताएंगे। और अगर ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हो, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों के ही फ्रंट कंपैरिजन से। तो सबसे पहले मैं बात करूं इन दोनों के ही फ्रंट लुक की, तो फ्रंट में अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत क्रोम वर्क एक्स्ट्रा यूज किया गया है 125 के अंदर। बट अगर आप लाइट देखोगे तो लाइट यहां पर आपको फ्रंट की जो है एलईडी नजर आने वाली है, और 110 सीसी में भी आपको एलईडी ही नजर आएगी। बट यहाँ पर क्रोम का किसी भी तरीके का पार्ट यूज नहीं किया गया है, आपको ओनली 125 सीसी के अंदर क्रोम वर्क थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा। यहाँ पर देखोगे आपको हजार जैसा फीचर जो है वो दोनों ही स्कूटर्स में नजर आने वाला है। फर्क यहाँ निकल के आता है कि 125 के अंदर आपको हैलोजन बल्ब इंडिकेटर्स नजर आएंगे, और जो अपना 110 सीसी स्कूटर है उसके अंदर आपको एलईडी लाइट के साथ नजर आएंगे। बाकी आप देख सकते हो एलईडी डीआरएल्स जो है वो कुछ इस तरीके के ग्रिल में नजर आते हैं। थोड़ा बहुत स्पोर्टी कैरेक्टर नजर आएगा आपको 110 सीसी के अंदर, और यहाँ पर आप देखोगे तो 125 आपको लाइक सिमिलर सा नजर आने वाला है कुछ इस तरीके से। पहले जो मतलब जो जुपिटर अब तक चलता आ रहा है वैसे में ही नजर आएगा, बस 110 सीसी को थोड़ा सा अपडेट किया गया है, वहां लुक्स थोड़ा सा ज्यादा एनहेंस किया है। बाकी यहाँ डीआरएल पार्ट आपको ये नजर आता है साइड में। बाकी क्रोम वर्क तो मैंने बता ही दिया है। अभी आप देखोगे फ्रंट के मड गार्ड, तो फ्रंट के मड क्वालिटी जो फ्रंट फेंडर हैं दोनों के, वो दोनों ही सेम नजर आएंगे। क्वालिटी वाइज सेम है, बट जो है आपको टायर के अंदर फर्क नजर जरूर आएगा। यहाँ आपको मशीन कट अलॉय व्हील नजर आएंगे, वहां पर आपको नॉर्मल अलॉय व्हील नजर आएंगे। दोनों ही स्कूटर्स में आपको 12-12 इंच के अलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं। 90x90 का आपको 12 इंच का अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर नजर आ जाता है। फ्रंट में आपको दोनों ही स्कूटर्स के अंदर डिस्क देखने के लिए मिल जाएगा, तो ब्रेकिंग जो है वो दोनों में ही आपको सेम ही फील नजर आने वाला है। बाकी यहाँ पर सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक ही देखने के लिए मिलेंगे दोनों ही स्कूटर्स के अंदर। अभी आप देखोगे साइड की प्रोफाइल की मैं बात करूं 125 सीसी में, तो साइड की प्रोफाइल देखोगे कुछ इस तरीके की नजर आएगी। सबसे पहले यहां आपको नजर आता है फ्रंट फुट स्पेस, तो फ्रंट फुट स्पेस जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक नजर आने वाला है। सबसे पहले 125 सीसी का देख लेते हैं। यहाँ ये है, और यहाँ आपको एक छोटी सी बकेट नजर आ जाती है। यहाँ आपको यूएसबी पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे ना यूएसबी पोर्ट देखने मिल जाता है। की सेटअप यहाँ नजर आएगा, और फ्यूल टैंक जो है वो यहाँ फ्रंट में दिया गया है। हालांकि दोनों में ही फ्रंट में है। अभी चलेंगे 110 सीसी की तरफ, पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ ये आपको 5.1 लीटर्स का फ्यूल टैंक फ्रंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हो फ्रंट इंटीरियर ब्लैक कलर में नजर आता है। अभी मैं बात करूँ 110 सीसी में, तो फ्रंट का जो फुट स्पेस है ना वो दोनों का ही सेम है। यहाँ आपको किसी भी तरीके का कोई खास बदलाव या एक्स्ट्रा कुछ नजर नहीं आने वाला है। फ्रंट दोनों में ही सेम नजर आएगा। बाकी यहाँ सेम ही आपको बकेट नजर आती है, और यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप डाटा केबल लगा के अपना फोन चार्ज करके इसमें रख सकते हो। फ्रंट में आपको 5.1 इंच लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा, सेम ही प्लेसिंग रहेगी। तो ये चीजें जो है वो इन स्कूटर्स को तो सेम बनाती हैं। अभी चलते हैं हम थोड़ा सा रेयर की तरफ, और रेयर में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन की। तो सबसे पहले मैं बात करूं इंजन 125 सीसी का, तो यहाँ आपको देखने मिलता है 125 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BS6 फेज 2 इंजन एयर कूल्ड, और जो जनरेट करेगा ये जो इंजन है ये जनरेट करता है 8.04 BHP की पावर एंड 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर फिगर जो है वो दोनों ही बाइक स्कूटर्स का ना ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आता है। 110 का भी बताऊंगा, बाकी रेयर के अंदर आपको सेम ही टायर नजर आने वाला है। आगे जैसा ही अलॉय व्हील देखने मिलेगा, यहाँ आपको देख सकते हैं 12 इंच का अलॉय व्हील और मशीन कट के साथ नजर आएगा। और यहाँ देखोगे आपको एग्जॉस्ट क्वालिटी सेम ही नजर आने वाली है दोनों की। बाकी अभी चलते हैं हम जुपिटर 110 सीसी की तरफ, तो जुपिटर 110 में बात करूँ सबसे पहले यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा 113 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BS6 फेज 2 इंजन, और ये करेगा 7.91 BS की पावर एंड 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जो पावर फिगर है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा सा टॉर्क में 0.7 का फर्क आएगा, और BHP में थोड़ा सा फर्क आएगा, ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं आएगा। तो पावर फील जो है ना वो
बिल्कुल लाइट फील आने वाली है कि वहाँ आपको 125 सीसी के में थोड़ी सी बेहतरीन नज़र आ जाए। बट मुझे मतलब एज यूजुअल अगर आप डेली एक स्कूटर अर्न करते हैं चलाते हैं तो आपको ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। बट अगर आप ऑलरेडी 125 सीसी का कोई भी स्कूटर चला रहे हो या फिर जुपिटर 125 ही चला रहे हो, अगर आप इसे चलाते हो तो आपको थोड़ा सा डाउन नज़र ज़रूर आएगा, पावर में थोड़ा सा फील ज़रूर आएगा। बाकी का दोनों ही स्कूटर्स के अंदर आपको मोनोशॉक रियर सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है। बात करिए इन दोनों के ही टेल लाइट की, तो टेल लाइट आपको 125 सीसी के अंदर जो है ना वो हैलोजन नजर आएगी, टर्न इंडिकेटर्स ही हैलोजन नजर आएंगे। तो फुल फुल लाइट जो है ना 125 सीसी की हैलोजन देखने के लिए मिलती है। बाकी रेयर सेटअप जो है वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। ग्रैब हैंडल जो है वो यहाँ आपको काफी स्पोर्टी कैरेक्टर देता है और काफी ज्यादा कंफर्ट फील दिलाने वाला ऐसा लगता है। अभी हम चलते हैं 110 सीसी के अंदर, तो 110 सीसी की टेल लाइट जो है फुल एलईडी नजर आएगी और वही एक कनेक्टेड डीआरएल एलईडी देखने मिल जाता है जिसके बीच में आपको एलईडी की लाइट भी नजर आ जाती है। तो ये तो हो गया इन दोनों ही स्कूटर्स में जो लाइट का डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। अभी आ जाते हैं इन दोनों में एक चीज जो है वो थोड़ी सी एडवांस नजर आने वाली है एज कंपेयर 125 110 सीसी के अंदर। यहाँ सबसे पहले तो आपको जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी अपडेट देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी नजर आने वाली है 110 सीसी के अंदर। बट 125 सीसी में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं मे बी इन फ्यूचर टीवीएस अगर इस स्कूटर को अपडेट करे तो शायद इसके अंदर भी ये टेक्नोलॉजी यूज करेगा। बट टीवीएस की तरफ से जो रिसेंट अपडेट था वो इसी के अंदर आपको 110 सीसी के अंदर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको एक और फीचर एडवांस देखने को मिलेगा जो इसमें रहेगा, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट। यहाँ पर आपको इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट देखने मिलेगा जिसमें कि आप अगर 60 to 65 की टॉप स्पीड अगर आप चल रहे हो, वहाँ आप अगर ज़्यादा स्पीड पे हो अगर ब्रेक लगाते हो तो जो चारों इंडिकेटर्स हैं वो एक साथ ब्लिंक करने लगेंगे, जैसे कि पीछे वाले को इंडिकेशन मिल जाएगा कि आप इस स्कूटर को रोकने वाले हो। बाकी एक बार इसका मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, अभी हम इसको 65 स्पीड पे ऊपर बढ़ाएंगे तब चला के दिखाएंगे। ये देख सकते हो आप, ये जो फीचर है ये इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप 60 to 65 की स्पीड से ज़्यादा जाते हैं, अगर आप अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो चारों इंडिकेटर जो है ना एक साथ चल जाएंगे। मैंने लाइव आपको एग्जांपल दिखा दिया है। अभी आपको अभी बात कर लेते हैं इन दोनों की ही सीट की। तो सीट जो है मेन कारण इन दोनों को ही कंपेयर करने का मेरा पर्सनली यही है कि यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल जरूर देखने मिलेगा 110 सीसी के अंदर में भी और यहाँ पर भी। सीट जो है वो दोनों की ही सिमिलर नज़र आने वाली है, 765 mm दोनों ही स्कूटर्स की जो है ना वो सीट राइडर्स की जो हाइट है ना वो अगर सेम है तो जो शॉर्ट हाइट राइडर हो या नॉर्मल हाइट हो जो 125 चलाएंगे ना वो इजीली 110 सीसी भी चला सकते हैं। अभी हम एक बार इन दोनों का बूट स्पेस ऑन करेंगे और मेन जो कारण है ना इन दोनों को कंपेयर करने का मैं वो दिखाऊंगा। एक बार इसको हम ऑन कर लेते हैं, यहाँ से ऑन हो जाएगा, फ्रंट से ही आप इसको की से ऑन कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो ना आपको इतना स्पेस मिलेगा इस स्कूटर के अंदर के जितना मतलब कि मार्केट के अंदर किसी भी स्कूटर में स्पेस नहीं मिलेगा। और यहाँ देख सकते हो आपको डबल हेलमेट रख सकते हो, सिंगल हेलमेट रख के बहुत सारा सामान रख सकते हो। अभी मैं दिखा देता हूँ 110 सीसी का, तो 110 सीसी में भी आप सेम ही तरीके से इसको ओपन करोगे। अब ये देखो अभी तक भारतीय बाजार के अंदर जो टीवीएस जुपिटर चल रहा था उसके अंदर आपको ये चीज नहीं मिली थी, उसमें आपको ओनली इतना स्पेस मिला था। बट टीवीएस ने ना ये बहुत अच्छा काम किया है कि अपने 110 सीसी के अंदर भी जो 125 सीसी के अंदर वो ऑफर करते थे। अब आप ये चीज़ देख सकते हो कि दोनों ही स्कूटर्स के अंदर जो आपको बूट स्पेस जो है ना वो बहुत अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यदि आप लेना चाहते हो 125 सीसी का स्कूटर, यदि आपका बजट थोड़ा कम हो जाता है और आप चाहते हो मेरे को 110 इंजन भी चलेगा, तो आप 110 सीसी के इंजन के साथ में टीवीएस जुपिटर भी ले सकते हो। आपको वही चीज़ें वही स्पेसिफिकेशंस और वही फ़ायदों के साथ ये स्कूटर नज़र आ जाएगा। अभी इन दोनों के ही मीटर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मीटर अगर देखोगे तो सबसे पहले मैं 110 सीसी का दिखा देता हूँ। 110 सीसी के अंदर आपको ये फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र आने वाला है और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिल जाएगी और सारे इंडिकेशन जो हैं वो यहाँ सेम नज़र आने वाले हैं। यहाँ सारे ब्लिंकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं और आपको मीटर के अंदर साइड स्टैंड कट ऑफ, फ्यूल ऑप्शन और यहाँ पर टाइम, किलोमीटर, ओडोमीटर, रेंज, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। इको पावर मोड भी यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी हम चलते हैं 125 सीसी के अंदर, तो 125 मीटर का थोड़ा सा डिज़ाइन जरूर थोड़ा सा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा, बट फीचर जो हैं आपको वही नज़र आने वाले हैं जो आपको वहाँ पर 110 सीसी के अंदर देखने के लिए मिले थे। जैसे कि यहाँ आप देखोगे
यहाँ थोड़ा सा जो इंटरफेस है ना वो थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर के साथ में जरूर नजर आता है, बट यहाँ पर भी आपको कनेक्टिविटी और फीचर जो है ना वो सारे ब्लिंकर्स लगभग सेम वही नजर आने वाले हैं। यहाँ फ्यूल ऑप्शन, ओडोमीटर, किलोमीटर ट्रिप और इको पावर मोड यहाँ भी आपको नजर आएंगे, लाइक ग्रीन लाइट और ऑरेंज लाइट के साथ में। बाकी आप टर्न इंडिकेटर्स वगैरह देख सकते हो, सारी चीजें यहाँ नजर आएंगी। यहाँ आपको हैजार्ड जैसा फीचर मिलेगा, दोनों ही स्कूटर्स के अंदर आपको हैजार्ड जैसा फीचर देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी चला रखा था। बाकी स्विचेस जो है वो नॉर्मली यही ये वाले नजर आते हैं। वहां पर एक बार मैं 110 cc के भी स्विचेस शो कर देता हूँ। जो स्विच स्विच क्वालिटी है वो दोनों की ही ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आने वाली है, मतलब कि एक ही प्लेटफॉर्म पे बनाए हुए हैं। अब आ जाते हैं हम इन दोनों ही स्कूटर्स की प्राइसिंग पे, क्योंकि आपको 110 cc का स्कूटर जो है वो कितने का मिलेगा टीवीएस जुपिटर, या फिर और आपको टीवीएस जुपिटर 125 cc जुपिटर कितने का मिलेगा। उससे पहले एक और छोटी सी चीज दिखा देता हूँ जो मुझे थोड़ी सी यूनिक सी लगी। आप टीवीएस जुपिटर 125 cc में देखोगे ना, यहाँ बैजिंग की गई है टीवीएस की, बट अगर आप देखोगे ना 110 cc का, तो वहाँ बैजिंग नहीं की गई है, नाम नहीं लिखा गया है, वो जो लोगो है ना टीवीएस का घोड़े वाला वो यहाँ पर लगाया गया है। ये मतलब कि इसको थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर फील दिलाता है और ज्यादा प्रीमियम फील भी दिलाता है एज कम्पेयर 125, थोड़ा और ज्यादा बेटर प्रीमियम सा नजर आता है। अभी हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग सबसे पहले मैं बात करूं 110 cc के अंदर के, आपको 110 cc का जो प्राइस है स्टार्ट होके कितना नजर आने वाला है। तो यहाँ पर अगर यदि आप लेते हो जुपिटर 110 cc के अंदर, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा 75,000 एक्स शोरूम स्टार्ट होके 88,000 एक्स शोरूम टॉप एंड तक जाएगा, और इसके अंदर आपको जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सेम ही नज़र आने वाले हैं। कुछ चीज़ें होंगी जो आप बेस टू टॉप आपको कैरी नहीं की जाएंगी इस स्कूटर में। अभी चलते हैं हम 125 के अंदर। तो 125 cc यदि आप लेते हो, तो यहाँ पर आपको बेस स्टार्टिंग जो मॉडल है वो मिलेगा 87,000 एक्स शोरूम। अब अगर आप 125 cc का बेस मॉडल लोगे तो आपको 87 मिलेगा, अगर आप लेते हो जुपिटर का जुपिटर 110 cc का टॉप मॉडल तो आपको 88 का पड़ेगा। वहाँ आपको सिर्फ 1,000 एक्स्ट्रा देकर टॉप मॉडल में 1,000 का डिफरेंस नज़र आएगा, बट यहाँ क्या है, यहाँ आपको बेस मॉडल ही 87 मिलेगा, बट फर्क ये आएगा कि इंजन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा और थोड़ा सा रिफाइन देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप जाते हो टॉप मॉडल पर, तो टॉप मॉडल के अंदर आपको नज़र आने वाला है ये स्कूटर 98,000 एक्स शोरूम, जो कि वहां से सीधा 10,000 टॉप मॉडल पे स्विच कर जाता है, मतलब कि यहाँ आपको 10,000 में टॉप मॉडल एक्स्ट्रा नज़र आने वाला है एज कम्पेयर जुपिटर टॉप मॉडल 110 में। फर्क आपको कुछ ही नज़र आए हैं, मतलब कि इन दोनों ही स्कूटर्स में जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर से नज़र आए हैं, और काफ़ी हद तक ये दोनों स्कूटर्स एक दूसरे से सारी चीज़ें बोरो करते हैं, बस थोड़ा सा एडवांस आपको 125 cc में और काफ़ी हद तक फीचर जो है 110 में थोड़े से एडवांस जरूर नज़र आते हैं। यहाँ आपको ओनली अलॉय में थोड़ा फर्क नज़र आएगा, थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क आने वाला है डायमेंशंस में, हालांकि सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ी सी लेंथ में आपको थोड़ा बहुत बदलाव जरूर नज़र आएगा, बट फीचर्स के मामले में 110 cc थोड़ा सा ज़्यादा एक कदम एक्स्ट्रा चला जाता है एज कम्पेयर जुपिटर 125। अब आप मेरे को बताओ कि आपने अगर ऑलरेडी टीवीएस का जुपिटर कोई सा भी मॉडल चला रखा है, तो आप तो जानते होंगे कि टीवीएस जुपिटर में क्या कुछ आता है, बट आप मेरे को बताओ आपको कैसा लगा है टीवीएस जुपिटर 125 के साथ में 110 cc का जो नया वाला टीवीएस जुपिटर है उसका कंपैरिजन, और आप कौन से स्कूटर प्रेफर करोगे, 110 cc या फिर प्रेफर करोगे 125 cc। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और ऐसे ही वीडियोस पसंद करते हैं आप वॉक अराउंड और न्यूज़ से रिलेटेड कंपैरिजन रिलेटेड, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे ही वीडियोस हम लेके आते रहते हैं, तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में।